हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। करंट अफेयर्स की आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको ये बताना है कि चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन है उसने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यानी कि राष्ट्रपति चुनाव के जो कार्यक्रम है उसकी घोषणा कर दी है। इसका चुनाव जो है किस दिन किया जाएगा, 16 जुलाई, 18 जुलाई, 13 जुलाई या 15 जुलाई। देखिए इसका आंसर तो मैं दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत मुश्किल है कि आए, लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा क्या बनेगा वो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ से आप देख सकते हो कि ये एग्ज़ाम जो है एक्चुअली ये जो इलेक्शन है वो 18 जुलाई को कराया जाएगा और 21 जुलाई तक जो है अगर कुछ दिक्कत आती है तो 21 जुलाई तक ये एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन एग्ज़ाम में ये आएगा कि ये कौन सी 15th, 16th, 17th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थी। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका आंसर आपको देना है, ये 16 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का चुनाव जो है कराया गया है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, पेन पेपर पे आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। राष्ट्रपति कोविंद जो कि हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय के 6th कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे वो कहाँ होगा, चंपा, शिमला, मनाली या धर्मशाला। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा धर्मशाला। और आपको एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, धर्मशाला में जो तिब्बत की निर्वासित सरकार है दलाई लामा जिसके मुखिया हैं वहाँ से वो सरकार चलाते हैं, धर्मशाला में ही रहते हैं, इस बात का आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत जो है आसियान, भारत जो भारत और आसियान कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर हैं इसको होस्ट करेगा और जो होस्ट होगा ये किस जून से किस जून तक ये कराया जाएगा ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है 16 से 17 जून, सारे आसियान के फॉरेन मिनिस्टर एक साथ बैठेंगे और जो भी बातें हैं उस पर डिस्कशन की जाएगी। लेकिन देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, याद रखिएगा क्वेश्चन जो आपसे ये पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर कंडक्ट कराया गया है, ये जो आसियान और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर बैठेंगे ये कहाँ बैठेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो नई दिल्ली है, याद रखिएगा। और ये 12th एडिशन है जहाँ पे दिल्ली डायलॉग किया जाएगा। अब आप बोलोगे दिल्ली डायलॉग होता क्या है, तो देखिए दिल्ली डायलॉग में ना जियोपॉलिटिक्स पे, नेशनल, इंटरनेशनल सारे पॉलिटिक्स पे डिस्कशन की जाती है और वहाँ पे जो बड़े बड़े स्कॉलर आते हैं और अपने विचार को रखते हैं। एक्चुअली आप इसे एक डेमोक्रेटिक जो है फॉर्म भी बोल सकते हो जहाँ पे सब कुछ अपने अकॉर्डिंग जो है सारे विदेश मंत्री, बड़े बड़े स्कॉलर अपनी बात को रखते हैं, प्रोफेसर भी अपनी बात को यहाँ पे रखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जिला कौशल विकास योजना में एक्सलेंट करने के बाद इसका जो प्राइस है ये इसका जो सेकेंड एडिशन है उसमें सारे लोगों को प्राइज़ दिया जाएगा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में दिया जाएगा। तो आपको ये बताना है कि ये कार्यक्रम किस जगह पे होगा, किस शहर में होगा, मुंबई में होगा, हैदराबाद में, जयपुर में या दिल्ली में। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपको मिलेगा दिल्ली में, याद रखिएगा दिल्ली इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। डिजिटल मुद्रा शुरू करने वाला किस देश को जो ग्लोबली करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, इसको अपने यहाँ लागू करने के लिए ये अभी स्टडी कर रहे हैं, रसिया, भारत या फिर बांग्लादेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश अपने सारे स्कॉलर को ये ट्रेनिंग दिला रहा है और अलग अलग कंट्री में भेजा जा रहा है, वहाँ पे जो नोट हैं डिजिटल करेंसी यूज में लाई जा रही है उस पर रिसर्च करेंगे, इसके बाद ही बांग्लादेश में डिजिटल करेंसी को अलाउ किया जाएगा। और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के उनका नाम याद रख लीजिए, मुस्तफा कमाल। एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है क्योंकि बांग्लादेश के साथ इंडिया का ट्रेड हो या फिर कल्चरल टाइज जो हैं वो बहुत हाई हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, याद रखिएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये है फिलीपींस में, मनीला में आपको ये मिलेगा। और ये जो है एशिया के सारे देशों को लोन प्रोवाइड करता है बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे। तो क्वेश्चन पढ़ देते हैं हम लोग। ADB ने बांग्लादेश में सामाजिक लचीलापन कार्यक्रम के लिए, देखिए यहाँ भी लोन की बात आ गई ना, ऋण को मंजूरी दे दी गई है, कितना मिलियन डॉलर ये बांग्लादेश को प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए अमेरिकी डॉलर के हिसाब से 250 मिलियन डॉलर ADB जो है बांग्लादेश को देने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने FID, देखिए अभी हाल में ही जो है इंडिया में शतरंज ओलंपियाड होने वाला है, तो इसका लोगों का जो है लोगो, जो लोगो होता है और मस्कट, इसकी जो है रिवीलिंग कर दी गई है किस मुख्यमंत्री के द्वारा।
केरला के मुख्यमंत्री, ओडिशा के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। नीचे कमेंट करके आपको ना केरला का कैपिटल कहाँ है और इसके सीएम कौन है, नाम नीचे लिख के बता दीजिए। ओडिशा के साथ भी यही करना है, राजस्थान के साथ भी यही करना है और तमिलनाडु के साथ भी यही करना है। फिलहाल मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूँ, ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ से आप लोगों देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये साउथ इंडिया में ही हो रहा है, क्योंकि आप मस्कट का जब नीचे वाले पार्ट को देखोगे तो ये देखो आपको थोड़ा सा ये लुंगी स्टाइल में दिखेगा आपको, तो ये इसी से आपको पता लगा लेना था कि ये साउथ इंडिया के किसी स्टेट का नाम होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए तमिलनाडु इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सारंगीला डायलॉग कहाँ पे होगा? देखिए जैसे दिल्ली डायलॉग होता है उसी तरह अलग अलग जगहों पे अलग अलग गवर्नमेंट जो है अपने डेमोक्रेसी को फॉलरिश करने के लिए ये चीज़ें कराती है, तो ये कहाँ होगा और कितने तारीख को होगा? तो देखिए ये सिंगापुर में कराया जाएगा और 10 से 12 जून को ये जो है होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पाकिस्तानी राजनेता और टीवी होस्ट आमिर लियाकत हुसैन। देखिए अब आपको नाम देखकर ना अजीब लग रहा होगा कौन है, और इनकी हाल में डेथ हो गई है, तो ये 50 साल के थे और इनकी डेथ हो गई है। अब इनका जैसे ही आप फोटो देखोगे आपको याद आ जाएगा कि आपने कहीं ना कहीं इनको ज़रूर देखा है। ये देख लीजिए, ये मीम में ना, वो मीम बनता है ना उसमें बड़े पॉपुलर हुए थे और ये टीवी होस्ट वगैरह करते थे जिसके कारण ये बहुत पॉपुलर हो गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत ने डैश को 12 हाई स्पीड गार्ड बोर्ड देने की घोषणा करी है। तो देखिए इंडिया जो है चाइना से फियर है इंडिया को, और सेम एक और कंट्री है जिसका नाम है वियतनाम, जो कि चाइना से उसी तरह से 36 के आंकड़े दोनों कंट्री का है। तो वो बोलते हैं ना कि जियो पॉलिटिक्स में एक बात होती है, दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। तो इंडिया भी वियतनाम के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है और वियतनाम को समृद्ध कर रहा है बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट देकर, तो उसी में ये 12 हाई स्पीड गार्ड बोट जो है अपनी जो कोस्टल एरिया को है गार्डिंग करने के लिए, पेट्रोलिंग करने के लिए वियतनाम को इंडिया प्रोवाइड करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि आपके सामने ये रहा, और यहाँ से देख लीजिए आप राजनाथ सिंह के साथ साथ वियतनाम के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी फ़ोटो आप देख सकते हो, और इन जो 12th हाई स्पीड बोट हैं ये बोट की कीमत देख लो आप यहाँ पे अमेरिकन डॉलर में $100 मिलियन इसकी दाम है, और इसे लाइन ऑफ क्रेडिट से दिया गया, यानी कि बहुत कम पैसे में, बहुत कम जो इंटरेस्ट रेट है वो कम इंटरेस्ट रेट पे इनको दिया गया है और ये आराम आराम से बहुत सालों में इसे चुकाएंगे। ये फ्रेंडली कंट्री होने के नाते इन सारे कंट्रीज़ को ये बेनिफिट दिया जाता है कि लाइन ऑफ क्रेडिट दी जाती है और आप आराम से धीरे धीरे इस पैसे को चुका सकते हो। तो फाइनली द क्विक पॉइंट्स ऑफ द डे की बारी आ चुकी है, उससे पहले एक छोटी सी सूचना, अगर आप AES नवोदय विद्यालय KVS की तैयारी कर रहे हो तो 100 बीच में 200 क्वेश्चन पेपर आप मुझसे ले सकते हो। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए, इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। तो चलिए द क्विक पॉइंट्स ऑफ द डे की बात करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेन पेपर पे इसे बाद में नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ ये रहा, देखिए फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री अ मिरेकल ड्रग फॉर विच डिजीज गेट 100% सक्सेस रेट। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ये है कैंसर। कैंसर पे जो है ये ड्रग्स जो है एग्जैक्ट काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली गुप्ता ब्रदर्स, देखिए आपको ये जान लीजिए गुप्ता ब्रदर्स की अगर आप कहानी सुनना चाहते हो तो गूगल पे टाइप कर लीजिएगा गुप्ता ब्रदर्स, और आपको ये साउथ अफ्रीका का जो है लोकेशन मिल जाएगा। ये कुछ लोग थे जो कि साउथ अफ्रीका में जाकर बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया और पूरे इतना इनका रसूख हो गया कि राष्ट्रपति तक को ये करप्शन के चार्ज में फंसा चुके हैं। राष्ट्रपति को ये डायरेक्ट घूस देते थे और उसके बाद जो है राष्ट्रपति के ऊपर भी मुकदमा चल रहा है और वो जेल के अंदर बंद है। तो ये गुप्ता ब्रदर्स भारत के थे और इन्होंने साउथ अफ्रीका में तबाही मचा रखी थी। तो इनको करप्शन के चार्ज में जो है अरेस्ट किया गया है वो किस कंट्री से? देखिए जब साउथ अफ्रीका में इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया था, इनके सारे आउटलेट्स कंपनी ऑफिसेस को वगैरह को तोड़ दिया जा रहा था, तो इन्होंने जो है UAE में शरण ली और वहाँ भाग गए थे। तो फाइनली UAE में UAE वाले ने इन्हें को डिपोर्ट कर दिया साउथ अफ्रीका और वहाँ से इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं, व्हाट इज द एज लिमिट ऑफ ऑफिसर टू बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS। बिपिन रावत के डेथ के बाद जो है अगले CDS कौन बने हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा, और इनकी एज लिमिट जो है वो 62 है, याद रखिएगा 62 साल तक आप CDS बन सकते हो। तो चलिए वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वंटी का बटन नहीं दबाया है तो दबा लीजिए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।